नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। एवरेस्ट पर वायुसेना ने बचाई 16 पर्वतारोहियों की जान। भारतीय वायुसेना ने 11 साल की एक लड़की सहित पुणे के 16 पर्वतारोहियों को निकाल लिया है, जिन्होंने नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर फंसने के बाद एक अस्थायी तंबू में 2 दिन बिताए थे। पुणे का पर्वतारोही समूह नुखला से माउंट एवरेस्ट आधार शिविर के अपने पहले पर्वतारोहण अभियान पर था, जो 12 दिनों का कार्यक्रम था। ये लोग एवरेस्ट के बीच रास्ते में फंस गए थे। पर्वतारोही राकेश निबजाया ने कहा कि जब भूकंप आया तब हम होटल से बाहर शरण लेने आए। 2 दिनों तक समूह अस्थाई तंबू में रहा, फिर हमने हेलीकॉप्टर से नुखला आने का फैसला किया, वहां से हमें वायुसेना ने निकाला। दिल्ली में महंगा पड़ेगा कूड़ा जलाना, 5,000 रुपए का जुर्माना। खुले में कचरा जलाने पर पूरी पाबंदी लगाते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि एनसीआर दिल्ली के किसी भी हिस्से में खुली जगहों पर कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक, रबर या अन्य चीजें जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। गौरतलब है कि 3 हफ्ते पहले एनजीटी ने क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी थी। हरियाणा के मंत्री बोले, मरने वाले किसान कायर। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि आत्महत्या करने वाले किसान कायर हैं और सरकार कायरों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून में आत्महत्या को गलत माना जाता है, किसानों की कथित आत्महत्या को लेकर कानून में कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश सरकार किसानों के साथ तो है, लेकिन कायरों के साथ नहीं है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के बारिश एवं ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के लिए सरकार की तरफ से 1,092 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी करने की घोषणा की है।